आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यदि आपको दूसरों से ज़्यादा ठंड लगती है तो उसका कारण क्या हो सकता है। सर्दियों के मौसम में कई लोगों को इतनी ठंड लगती है कि दो स्वेटर भी अगर वो पहने तो भी उनको ठंड लगती रहती है। कई लोगों तो पैर से ठंड चढ़ती है जिसकी वजह से वे ठंड को ज़्यादा महसूस करते हैं। वहीं दूसरी ओर उन लोगों को अगर देखें जिन्हें ठंड कम लगती है, उन्हें कपड़े पहनने की टेंशन तो दूर, उल्टा पसीना आने की टेंशन सताती रहती है। लोगों को अगर ठंड ज़्यादा लग रही है तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। वहीं अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है तब भी यह हेल्थ के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी लगने की कई वजह या कारण हो सकती हैं। उनमें एनीमिया, कुपोषण, इन्फेक्शन, वजन से जुड़ी समस्याएं या थायराइड की समस्या शामिल है। अगर आपको ज़्यादा गर्मी या सर्दी लग रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास नियमित रूप से चेकअप कराते रहना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बीमार हैं तभी डॉक्टर के पास जाएंगे। महीने या दो महीने में एक बार डॉक्टर से फुल बॉडी चेकअप कराना बेहद ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तब भी आपको ज़्यादा गर्मी या सर्दी लग सकती है। जब भी हम गुस्सा करते हैं या तनाव में होते हैं तो हमारे बॉडी का तापमान बढ़ जाता है। बेशक एसी चल रहा हो तब भी हमें पसीना आने लगता है। तो अगर आपको भी दूसरे से ज़्यादा गर्मी या सर्दी लग रही है तो इसके पीछे कई स्वास्थ्य संबंधी कारण हो सकते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।